सुनो कहानी रतनपुर की। रतनपुर की सुनो कहानी। ना है इसमें कोई राजा, ना है इसमें कोई रानी। ये है कहानी विश्वास की, संगठन की, एकता की। है ये कहानी सबके विकास की, कहानी है ये सबके विश्वास की। किस तरह सबने मिलके बनाया एक संगठन, किस तरह एक एक लोगों से मिलके बना समृद्धि और संपन्नता का गठबंधन। आओ सुनते हैं रतनपुर के FPO की कहानी आपके प्यारे रतन रत्ना के साथ। अरे रत्ना, ये सब लोग मिलकर कहाँ जा रहे हैं? ग्राम पंचायत में किसान संगठन की सभा आयोजित की गई है, वहीं चलो हम भी चलें। भाइयों और बहनों, आप सबको मालूम है कि हमें खेती में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि समय पर सही कृषि जानकारी का ना मिल पाना, उत्तम गुणवत्ता के बीज व खाद न मिल पाना, कृषि लागत ज्यादा होने से हमें उधार लेना पड़ता है, सही बाजार मूल्य नहीं मिल पाता है, और अगर अकेला किसान अपनी पैदावार बेचने जाता है तो उसका कम दाम मिलता है और मुनाफा बिचौलियों को मिलता है। ऊपर से हमें उत्पाद को रखने के लिए गोदाम या कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी नहीं मिल पाती है। यह तो हम सभी स्वयं भी अनुभव कर रहे हैं भैया, मगर इसका हल क्या है? इसका तो एक ही हल है, संगठन बना के काम करना। अकेले किसान में जो ताकत नहीं होती, वहीं संगठन में बहुत ताकत होती है। एक एक करके हम सब मिल जाएं तो बनता है एक संगठन, और इस ताकत का नाम है FPO। FPO माने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। नाम तो सुना है FPO का हमने। अरे हाँ, अपने गांव के राम सिंह और नन्नू कुराम भी तो इसके सदस्य हैं। क्यों भाई? हाँ हाँ, हम हैं सदस्य। विस्तार में बताओ ये कैसे काम करता है और कैसे संगठन के माध्यम से हम समस्याओं का हल पा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, FPO यानी किसान उत्पादक संगठन। किसान का एक ऐसा समूह जो अपने क्षेत्र में फसल उत्पादन से लेकर खेती किसानी से जुड़ी तमाम व्यावसायिक गतिविधियों को चलाता है। FPO में 100 से लेकर कई हजार किसान तक शामिल हो सकते हैं। FPO के जरिए किसानों को न सिर्फ कृषि उपकरणों के साथ खाद, बीज, उर्वरक जैसे कई उत्पादों को थोक में खरीदने की छूट मिलती है, बल्कि वो तैयार फसल उसकी प्रोसेसिंग करके उत्पाद को मार्केट में बेच भी सकते हैं। एक तरह से सहकारिता पर आधारित प्राइवेट कंपनियां होती हैं। मतलब इसमें सदस्यता लेने के लिए हमें कृषक होना या कृषि से जुड़े होना चाहिए, और इस संगठन से अगर हम जुड़ते हैं तो हमें क्या फायदा होगा? इसमें कृषि उत्पादकों को हर गांव में उत्पाद समूह FIG में जोड़ा जाता है, जिसके उपरांत उत्पादक कंपनी का गठन किया जाता है, जिसमें हम सब किसान उत्पाद समूह के सदस्य होंगे। उत्पादक कंपनी का गठन मुख्य रूप से उत्पादकों को बाजार में जोड़ने एवं उनके उत्पाद का सही मूल्य दिलवाने के साथ सही गुणवत्ता की उत्पाद सामग्री उन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। इस कंपनी द्वारा अर्जित मुनाफे का एक भाग उनके शेयर धारकों के बीच ही वितरित किया जाता है, एवं एक भाग को वापस व्यापार के विकास में लगाया जाता है। मगर FPO का संचालन कैसे हो सकता है? FPO एक स्वतंत्र स्वचालक किसानों की संस्था है, जिसे सब किसान मिलकर चलाते हैं। हम में से कुछ किसान FPO का नेतृत्व करते हैं और वो BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं। अरे ननकुराम, तुम भी तो सदस्य हो, तुम कुछ बताओ कि FPO किस प्रकार से काम करती है? हमें तो शुरुआत में बोला गया था कि हमें FPO के माध्यम से बीज और खाद मिलेगा, तो हम सदस्यता शुल्क देकर FPO से जुड़ गए। हमें इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है भैया। FPO की शुरुआत में सबसे पहले हमने 10 से 15 लोगों को एकजुट किया, जो कृषक हितार्थ समूह फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप कहलाए। आगे इसमें हमने 5 से 15 डायरेक्टर्स का चयन किया। हर सदस्य को पद और जिम्मेदारी दी गई तथा नेतृत्व करने के काबिल ट्रेनिंग भी प्रदान की गई। BODs की प्रमुख भूमिका है संगठन की बैठक बुलाना तथा कार्य सूची स्थिर करना, चर्चा और बहस में नेतृत्व लेना, किसी भी वाद विवाद का निराकरण करना, किसान उत्पादक समूह की रणनीति और कार्य पर समूह के सदस्यों को प्रेरित करना, उत्पादक समूह के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सचिव और कोषाध्यक्ष के साथ समन्वय रखना, सर्वोच्च मंच में किसान उत्पादक संगठन को पहुँचाना, विभिन्न सरकारी तथा बेसरकारी अनुष्ठानों के साथ समूह को जोड़ना। अब ये बताइए FPO के माध्यम से हम क्या क्या काम कर सकते हैं?
जैसा कि हमने पहले भी बताया कि FPO लघु व सीमांत किसानों का एक संगठित समूह है, जिससे उससे जुड़े किसानों को न सिर्फ सही कृषि जानकारी मिलती है, बल्कि अपनी उपज का बाजार, अपना व्यापार शुरू करने के लिए बैंकों से ऋण और साथ ही FPO के माध्यम से बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण, खाद आदि की खरीद सस्ती मिलती है और बिचौलियों के मकड़ जाल से मुक्ति मिलती है। FPO में किसान सदस्यों की भूमिका क्या होती है? हम लोगों की भूमिका कई रूप में है। एक शेयर धारक के रूप में, एक बार जब किसान FPO का सदस्य बन जाता है और शेयर का भुगतान कर देता है तो वह स्वतः ही FPO का वोटिंग सदस्य बन जाता है और FPO द्वारा प्राप्त सभी अधिकारों के लिए पात्र होता है। FIG के सदस्य के रूप में किसान स्थानीय समूह के बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेने और FPO द्वारा प्रदान निर्देशों के पालन करने में सक्षम बनता है तथा FPO सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णयों को FPO बोर्ड को एक प्रतिनिधि के माध्यम से सूचित कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में एक किसान को FPO के निर्देशक मंडल में नामांकित या पदोन्नत भी किया जा सकता है तथा वह CEO या बोर्ड का सदस्य बनने का अधिकार रखता है। और महिलाओं के लिए इसमें क्या सुविधा है? महिलाएं भी इसकी सदस्य होंगी। वह भी कृषि से जुड़ा कोई भी व्यवसाय इस FPO के माध्यम से कर सकती है, जिससे वह भी आत्मनिर्भर बने। हमने सुना है भारत सरकार भी FPO निर्माण और संचालन में किसानों की मदद कर रही है। हाँ, सरकार की तरफ से FPO योजना को सहायता प्रदान करने के लिए PM किसान FPO योजना लागू की गई है, जिसमें नाबार्ड, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ SFAC और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक FPO को 3 साल में 15 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है और अन्य एजेंसियों से ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रति FPO को 2 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी की सुविधा दी जाती है, ताकि FPO अपने उत्पादन को बढ़ा सके, रोजगार दे सके, बिचौलियों से बच सके। अब देरी किस बात की है, जल्दी ही हमें अपने FPO को इस जानकारी से और मजबूत बनाना चाहिए। जी हाँ सरपंच जी, नेकी और पूछ। हम सब तैयार हैं। तो देखो, रतनपुर ने तो अपने FPO को और मजबूत करने का बीड़ा उठाया, हटा कर समस्याएं, मिलकर उनका समाधान है पाया। फिर क्या था, उपज बढ़ी, आय बढ़ी, साथ ही बढ़ी खुशियाँ। जो लगता था सपना सा, वो अपना बन गया। FPO में जुड़कर मिला खेती को आयाम नया।